व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूँ जेनशिन इंपैक्ट गेमिंग माई लोअर लैपटॉप जो i3 8th generation और इंटेल i3 6th generation एक लैपटॉप है। इसमें मैं टेस्ट करने वाला हूँ जेनशिन इंपैक्ट गेम और दिखाऊंगा कि आप लोग मुझे कितने पीस मिलता है। अगर आपको भी मेरे जैसे सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला पीसी या लैपटॉप है तो आपको कितने पीस मिलेंगे इस गेम, इसके लिए आपको वीडियो को आगे देखना पड़ेगा। और किसी अगर आपको थोड़ा मुझसे बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला पीसी या लैपटॉप है, आपको अपना स्पेसिफिकेशन कमेंट करना है। मैं कमेंट के रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपको कितने पीस मिल सकता है इन योर स्पेस इन दिस गेम। तो इस वीडियो को पूरा देखते हैं ना, चलिए इस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा है ग्राफिक्स एरिस की, कौन से ग्राफिक्स एरिस में मैं गेम को चला रहा हूँ। तो मैंने जो रेजोल्यूशन रखा है 12x10x720 भी है, FPS 60 VSync ऑफ है, और जो भी सीरीज आप लोग नीचे देख सकते हो सब कुछ मैंने लो और ऑफ किया हुआ है। मतलब सिंपली 720 भी लोएस्ट सीरीज पर मैं इस गेम को टेस्ट करूँगा और दिखाऊंगा कि आप लोगों को मुझे कितना FPS मिलता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं सीधा आ गया हूँ गेम पर। अभी जो मुझे FPS देखने के लिए मिला है 25-26 का गाइस FPS देखने के लिए मिला है। बेसिकली गाइस शुरुआत में जो FPS है वो 25+ है और कभी कभार 30 FPS भी जा रहा है इन 720 लो सेटिंग, जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा खासा है। और गेम जो है काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूथ तरीके से चल रहा है इन 25+ FPS। ऐसा लग नहीं रहा कि 25 FPS है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब 40 FPS रह रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ गेम प्ले है। तो इस बात करूँ मैं इस गेम की ऑप्टिमाइजेशन की, तो ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा, क्योंकि जो FPS मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब गेम काफ़ी अच्छी तरीके से रन कर रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा गेम लैगी है फिर स्टटर है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से गेम रन कर रहा है। मतलब ऐसा मतलब दिखा रहा है 25 FPS, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है कि यह 30+ FPS पर चल रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मूथली काफ़ी ज़्यादा बटरी गेम प्ले है आप लोग बोल सकते हैं इसे। तो बस काफ़ी लोग जो है एनिमे टाइप्स गेम्स खेलना प्रेफर नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता है, बट मैं सिंपली आपको कहूँगा ये थोड़ा अलग है, आप लोग चाहो तो इस गेम को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये एक डिमांडिंग गेम है। तो सिंपली मैं आप लोग को कहूँगा कि आप लोग चाहो तो इस गेम को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो आपके स्पेसिफिकेशन पर। एंड अगर आपका मेरे जैसे सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला पीसी या लैपटॉप है तो आपको भी सेम FPS देखने के लिए मिलेगा इन दिस गेम। एंड गाइस अगर आपका थोड़ा मुझे बेटर या लो स्पेसिफिकेशन है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपको कितना बदल सकता है। बेसिकली गाइस ये जो गेम है एक्चुअली ये मतलब इंटेल का कोई मतलब आपके पास इंटेल का HD ग्राफिक भी है एंड 4GB रैम भी है तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से इस गेम को खेल सकते हो, क्योंकि ये जो गेम है एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हैवी है, ऐसा कुछ गेम नहीं है। मतलब इसका इसमें आप रेजोल्यूशन को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो, मतलब आप 800x600 कर सकते हो, उससे भी नीचे रेजोल्यूशन करके आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो। आपके अगर आपके पास लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स भी है तो भी मैं आप लोगों को मतलब अगर आप ये गेम खेलना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसमें रेजोल्यूशन आप बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो। एंड गाइस मुझे लगता है आपको पसंद आ जाएगा ये गेम, क्योंकि काफ़ी लोग जो है इस गेम को खेलते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं कि अच्छा गेम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग चाहो तो इस गेम को ज़रूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि गेम जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग गेम है एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है आपको अच्छा भी लगेगा ये गेम। एक्चुअली नहीं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो मुझे 30+ FPS मिल रहा था, जो मेरे लिए काफ़ी स्मूथली, क्योंकि लो एंड पीसीज में 30+ FPS मिल जाए तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा खासा हो जाता है। ये मल्टीप्लेयर गेम है, 30 FPS मिल रहा है फिर भी काफ़ी ज़्यादा गेम जो है स्मूथली रन कर रहा है। एक्चुअली आप बहुत अच्छी तरीके से इस गेम को खेल सकते हो, मतलब अगर आप खेलना चाहते हो तो इंटेल i3 6th generation पे तो आप बिना झिझक के कोई भी दिक्कत के खेल सकते हो, और मुझे कोई लैग या फिर स्टटर्स कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है इस गेम पे। काफ़ी अच्छी तरीके से गेम जो है रन कर रहा है, काफ़ी स्मूथ तरीके से गेम रन कर रहा है एक्चुअली। एंड ये गेम आई थिंक 28GB में आपको एपिक गेम स्टोर पे फ्री भी मिल जाता है, ऐसा नहीं कि पेड गेम है, आपको दूसरी जगह से मतलब जो है पायरेसी या फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप नॉर्मली इस गेम को एपिक गेम से डाउनलोड कर सकते हो और मज़े ले। ये गेम एनिमे टाइप गेम ज़रूर है, बट इसका ग्राफिक ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कार्टूनिश ग्राफिक्स ऐसा कुछ है, मुझे जो ग्राफिक लगा है काफ़ी ज़्यादा एनिमे होता है, काफ़ी ब्यूटीफुल नेचर होता है उससे मैच किया ये, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका ग्राफिक जो है अच्छा लगा है। लिटरली गाइस थोड़ा फील देता है कि हम लोग इस गेम के अंदर है, मतलब ऐसा ग्राफिक क्वालिटीज़ का किया गया है लिटरली। तो आप लोग चाहो तो इस गेम को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो आपके स्पेसिफिकेशन पर, मुझे मैं ऑब्वियसली सजेस्ट करूँगा इस गेम को। अगर आपको एक आप एक एनिमे फैन हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस गेम को खेल सकते हो आपके स्पेसिफिकेशन पे, इंटेल HD पे भी खेल सकते हो, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा कम किया जा सकता है। मतलब 720 पे आपको लैग स्टेटस मिले तो आप इसको और भी नीचे करके आप लोग इस गेम को ट्राई कर सकते हो। तो इस वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप चाहते इस गेम को ट्राई कर सकते हो। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके होल्ड कर देना ऐसी और वीडियो के लिए। तो मिलते हैं तब तक के लिए बाय गाइस।